नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कैरामलाइज्ड एगलेस मिल्क ब्रेड पुडिंग। कई बार हमारा कुछ मीठा खाने का मन करता है तो हम सोचते हैं कुछ ऐसा बनाए जो बहुत ही जल्दी बन जाए और चीजें जो हमारे घर में अवेलेबल हो उसी से बन जाए। तो उसके लिए पुडिंग बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही कम समय में बनता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं ये पुडिंग। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी लिए हैं और उसके बाद 1 बड़ा चम्मच पानी। इसको डालकर इसे हम मिक्स करेंगे और धीमी आंच पर इसे पकाएंगे। इसे मनचाहा कलर आने तक हमें इसे पकाना है। इसे लगातार चलाते रहना है। ये देखिए, ये कैरेमल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। अब जिस भगोने में हमें पुडिंग बनाना है उसमें हम घी से ग्रीस कर लेंगे, चारों तरफ इसको घी लगा लेंगे और उसमें इस कैरेमल को डालकर फैला देंगे। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और पुडिंग की तैयारी करेंगे। पुडिंग के लिए मैंने 4 से 5 ब्रेड लिए, साइड का मैंने इसका निकाल दिया है, और 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर और 1 कप चीनी और 1 ग्लास दूध। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। अब ये ब्रेड को मैंने तोड़कर ग्राइंड किया है, ये देखिए। अब सबसे पहले एक भगोने में हम कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे। अब उसमें मिल्क पाउडर को मिक्स करेंगे। चीनी डालेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। ये दूध डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब गैस पर रखकर हम इसे उबाल लेंगे। एक उबाल आने के बाद ये गाढ़ा हो जाता है। ये बिल्कुल देखिए, कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, ये गाढ़ा हो गया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाया है उसको डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें आधा चम्मच घी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना भी डालें। अब जिसमें मैंने वो भगोने में बनाना है जिसमें कैरामल डाला था उसमें ये बैटर को डाल देंगे। अब एक कढ़ाई में स्टैंड रखेंगे और उसमें पानी डालेंगे और हमें इसके ऊपर भगोना रख देंगे। इसको ढककर लगभग आधा घंटा तक पकाना है। ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है आधे घंटे बाद। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी बना है ये, बहुत ही जल्दी बन गया है। अगर